सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। कि दिल्ली में एक हफ्ता और लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए, ये बड़ी खबर है। पंकज जैन मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या खबर? नवजोत, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि आज दिल्ली सरकार इस पर अंतिम फैसला ले सकती है। एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ सकता है। देश की राजधानी में दिल्ली में इस वक्त जो पॉजिटिविटी रेट है वो 32% से ज्यादा है। ऑक्सीजन की किल्लत सभी के सामने है और ऐसे में कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन को कंटिन्यू ना रखा जाए। तो फिलहाल जो लॉकडाउन है उसे बरकरार रखा जा सकता है एक हफ्ते के लिए और आज इस पे अंतिम फैसला लिया जा सकता है। क्या उम्मीद की जा रही है, क्योंकि लगातार कल देखिए, पहली बात अरविंद केजरीवाल देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखते हैं, उससे पहले ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री को उन्होंने गुहार लगाई कि ऑक्सीजन की कमी है। खुद दिल्ली के 6 अस्पताल ऐसे हैं जो सीधा हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए फटकार भी लगाई है। केंद्र और स्टेट दोनों से ये पूछा है कि क्या प्लान है। तो ऐसे में हालात क्या है दिल्ली के, ये समझ सकते हैं। इस बीच फैसला क्या लिया जा सकता है, कितनी देर में आ सकता है? देखिए, अक्सर तो सुबह 11 बजे के आसपास डीडीएमए की बैठक होती है, तो 12 बजे के आसपास ये फैसला आने की उम्मीद है। इसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है नवजोत, लेकिन पिछले हफ्ते जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था मुख्यमंत्री की तरफ से, तब दिल्ली में तैयारियों के लिए वक्त मांगा गया था, लेकिन उसके बाद अचानक ऑक्सीजन की किल्लत सामने आई थी। बेड्स की संख्या दिल्ली में बढ़ी है, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी बरकरार है। जिस सिलसिले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है और जितना कोटा दिल्ली को मिलना चाहिए था उतना कोटा दिल्ली को ऑक्सीजन का नहीं मिल रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है दिल्ली के सामने और ऐसी स्थिति में ये फैसला लिया जा सकता है कि लॉकडाउन को एक हफ्ते आगे और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कल सुबह नवजोत 5 बजे लॉकडाउन की जो अवधि है वो खत्म हो जाएगी।